हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 के रिलीज किए गए पूरे 3 मिनट 16 सेकंड्स के ट्रेलर के बारे में, जिसमें कंटेंट भर भर कर प्रोवाइड किया गया है, ताकि हर बार की तरह फैंस इस बार के भी सीजन में बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो। और जैसा हर बार नेटफ्लिक्स की तरफ से उनकी सीरीज और फिल्मों के ट्रेलर को लेकर किया जाता है, ज्यादातर तो कहानी को बिल्कुल भी ना रिवील करने का प्रॉमिस उसे भी बरकरार रखते हुए फैंस को बस सोच में ही डाला गया है कि असल में सीजन 4 में चल क्या रहा है। लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कई सारे हिंट्स, फैंस की थियरी और क्रिएटर्स की ही तरफ से की गई कंफर्मेशन कहीं ना कहीं हमें कहानी का थोड़ा बहुत हिंट तो दे देती है। जिसमें बात रही इस सीजन में कास्ट किए गए कुछ नए मेंबर्स की, तो उनकी पूरी डिटेल यानी कि ब्रेकडाउन का वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। और इसके पहले के रिलीज किए गए कुछ ग्लिम्स या फिर हेलो टीजर का भी ब्रेकडाउन मैंने अपने चैनल पर कर रखा है, क्योंकि मैं इस सीरीज को स्टार्ट से फॉलो कर रहा हूं, इसलिए कोई भी चीज मेरे लिए क्या फैंस तक के लिए बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। और उसी प्रॉमिस को अब आगे कंटिन्यू करते हुए चलिए इस ट्रेलर का भी पूरा चीरहरण करते हैं, यानी कि ब्रेकडाउन, ताकि मेरी तरह आपको भी आइडिया हो जाए कि असल में फिर से कहूंगा कि सीजन 4 में चल क्या रहा है। लेकिन इन सबसे पहले बनती है मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि मैं हर बार करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके दिमाग में चल रहे इसी क्वेश्चन पर कि असल में इस ट्रेलर में चल रहा बैकग्राउंड का वो सॉन्ग किस एल्बम से बिलोंग करता है। वेल, तो मैं आपको बता दूं कि ये सॉन्ग सेपरेट अवेज है, जिसे जर्नी बैंड ने गाया था। यानी इस बार भी गाने का सिलेक्शन ट्रेलर के लिए हर बार की तरह अच्छा ही हुआ है, क्योंकि इस सॉन्ग के टाइटल की तरह इसके सीजन 4 में भी सारे कैरेक्टर्स अपनी अपनी टीम में बटे हुए हैं, जिनकी अलग अलग जर्नी आखिर में जाकर एक ही होगी। बाकी अगर आपको कैरेक्टर्स की जर्नी को लेकर ये फंडा बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, तो उसे सिंपल करने के लिए आपको स्क्रीन पर इस सीरीज के रिलीज किए गए 4 पोस्टर्स दिख रहे होंगे, जिसमें हर एक कैरेक्टर अपनी अपनी जर्नी पर निकला हुआ है। तो अब इसी 4 कैरेक्टर्स के हिसाब से इस सीरीज के ट्रेलर का भी ब्रेकडाउन करते हैं, जिसे समझाने में मुझे भी आसानी होगी और आपको समझने में भी, क्योंकि ये सीजन इस सीरीज का एंड तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, बल्कि वॉल्यूम 1 में ही हमें एक ऐसे क्लिफहैंगर पर छोड़कर चला जाएगा जिससे फैंस खफा होंगे और नेटफ्लिक्स के क्रिएटर मालामाल, क्योंकि अभी के लिए तो इस 4th सीजन के 5 ही एपिसोड्स को वॉल्यूम 1 में रखकर 27 मई को टेलीकास्ट किया जाएगा। उसके बाद बाकी के 4 यानी कि वॉल्यूम 2 1 जुलाई को रिलीज होगे। और अब इसी में सारे के सारे 9 एपिसोड्स के टाइटल की भी बात करें, तो वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इन कैरेक्टर्स की जर्नी को कैसे हर एक एपिसोड्स में बांटा गया है, जिनमें से फैंस के लिए इस सीरीज का 2nd एपिसोड यानी कि वेकनास के कर्स को शायद एक्सप्लेन भी कर दिया जाए, ताकि फैंस के दिमाग में वेकना का कैरेक्टर पूरी तरीके से बैठ जाए। अब आपको नहीं पता कि वेकना कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेंजर थिंग्स की सीरीज में जो फैंस की सबसे बड़ी कंप्लेंट थी विलन्स को लेकर, यानी कि माइंड फ्लेयर जैसे कैरेक्टर को लेकर, तो उसमें कोई भी ह्यूमंस की जैसी प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नजर नहीं आती थी। और क्रिएटर्स यानी कि डफर ब्रदर्स को भी ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता थी, इसलिए उनका ये पेशेंस और हाँ फैंस का भी अब फाइनली रंग लाया है। और इसके 4th सीजन में हम उस वेकना के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं, जो कि एक हिसाब से अभी के लिए तो रूमर के तौर पर माइंड फ्लेयर का ह्यूमन बॉडी का फॉर्म है, ताकि वो इसमें रहकर सीरीज के कैरेक्टर को बराबर की टक्कर दे सके। बाकी कई मार्वल फैंस को इस सीन को देखकर कार्नेज की याद तो आती ही है, जिस कैरेक्टर को अनफॉर्चुनेट बिना एक्सप्लोर किए ही सोनी पिक्चर्स वालों ने पहली ही फिल्म में एंट्री करवा कर मार दिया। लेकिन यहाँ पर बात कार्नेज की नहीं बल्कि वेकना की चल रही है, इसलिए उस पर आते हैं, जिसमें जो कर्स और इस कैरेक्टर से रिलेटेड जो काफी मेजर स्पॉइलर डिटेल है, उसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कई लोगों का मानना यानी कि फैंस की थियरी कुछ अलग ही एक्सप्लेन करती है, जिसमें किसी फैंस को ये लगता है कि ये कैरेक्टर बिली का है, तो कई ज्यादा लोगों को इसे देखकर बाबरा की याद आती है। लेकिन अभी के लिए तो रिसेंट कंफर्मेशन कुछ और ही की गई है, जो सुनने में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि इसका लेना देना असल में 11 के कैरेक्टर से है। इसलिए हमें इस ट्रेलर में 11 का पास भी दिखाया जाता है, वो भी प्रेजेंट की टाइमलाइन के साथ, जिसमें ये सीन तो डेफिनेटली पास का नहीं बल्कि प्रेजेंट का है। बट 11 की हालत ऐसी क्यों है और क्या उसे डॉक्टर ओविन ने कन्विंस कर लिया था हॉकिंस की लैब तक पहुंचने के लिए, ताकि वो अपनी पावर्स को गेन कर सके, तो उसका जवाब हमें सीधे सीधे इसके पहले वॉल्यूम में नहीं बल्कि वॉल्यूम 2 में मिलेगा, जिसका मेरे हिसाब से एपिसोड का टाइटल द मैसेजर एट हॉकिंस लैब है, जो इस सीजन का 7वां एपिसोड रहेगा। यानी 11 अपनी पावर के साथ काफी ज्यादा स्ट्रांगली कमबैक करेगी, ताकि वो वेकना के कैरेक्टर का सामना कर सके। लेकिन ट्रेलर में फिलहाल तो ये कैरेक्टर ज्यादातर तो कनेक्ट मैक्स के कैरेक्टर से दिखाया जा रहा है, इसलिए फैंस की थियरी विली पर ज्यादा आकर रुक रही है। जिनसे आगे बढ़ते हुए अब सीधे ट्रेलर की बात में हॉपर, जॉयसी और मोरी के कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, यानी कि उनकी जर्नी की, जिसमें जॉयसी को हॉपर के जिंदा होने का सबूत इस अजीब से पार्सल के आने की वजह से मिलता है, और यहीं से उसकी इन्वेस्टिगेशन हॉपर जिंदा है या नहीं उसमें शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो मोरी की मदद लेगी। और फिर क्या, उन दोनों की जर्नी और इन्वेस्टिगेशन उन्हें हॉपर तक यानी कि रशिया की लैब की फैसिलिटी तक ले आएगी, जिसमें हॉपर को जिंदा बचकर भी बाहर निकलना है। बाकी डफर ब्रदर्स की कंफर्मेशन के हिसाब से इस
पूरे सीजन में अगर कोई कैरेक्टर सबसे ज्यादा टॉर्चर होगा तो वो हॉपर का कैरेक्टर ही है, जो इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी एक ही जिद पर अड़ा रहेगा कि वो कैसे ना कैसे कर इन सब के पीछे क्या चल रहा है उसका पता लगा सके। और हो सकता है कि इन सब में उसे अच्छा खासा टाइम भी लगे, क्योंकि हॉपर के टॉर्चर से लेकर उसके कैरेक्टर तक के बदलने में हम डिटेल्स इस ट्रेलर में ही अच्छी खासी देखते हैं, जहां कभी उसे मास्क पहनाकर शायद से अपसाइड डाउन की दुनिया में रखा जा रहा होगा, ताकि रशियंस ये चेक कर सके कि इंसान वहां पर कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेलर का ये सीन डेमिगॉर्गन वर्सेस रशियन प्रिजन के प्रिजनर्स को भी दिखाता है, जहां पर किसी तरीके का बैटल ग्राउंड चल रहा है या फिर रशियंस की रिसर्च कि डेमिगॉर्गन अकेले कितने प्रिजनर्स पर भारी पड़ते हैं। लेकिन हॉपर वहां पर अपना दिमाग चलाएगा और शायद से सिचुएशन से बहुत ही अच्छी तरीके से डील भी करेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो सीरीज का एक काफी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। और अब यहाँ पर तो उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए काफी ज्यादा बढ़ भी जाती है इसी सब्जेक्ट के हिसाब से कि उसे इस जर्नी में अपनी बेटी 11 के पास तक पहुंचना है। लेकिन कैसे, उस क्वेश्चन मार्क से तो पर्दा इस सीरीज के देखने के बाद ही उठेगा। बाकी बात रही हॉपर और उसकी बनी हुई टीम की पूरी की पूरी डिटेल्स की, तो उस टॉपिक को मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर जैसे कि मैंने कहा है कवर कर चुका हूं, इसलिए उस बात को रिपीट कर आपके टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता। यानी कि उस डिटेल के लिए आपको जाकर हॉपर रिटर्न के ट्रेलर की ब्रेकडाउन वीडियो देख लेनी चाहिए, जिनसे हटकर आप फिर से हॉपर के ही टॉपिक की एक छोटी सी डिटेल की बात करें कि क्यों हॉपर के कैरेक्टर को दिखाकर एक बड़े से सरप्राइज को रिवील कर दिया गया, जिसका सस्पेंस बहुत ही अच्छा खासा इसके सीजन 3 की एंडिंग में बनाकर रखा गया था कि हॉपर जिंदा भी है या नहीं। खैर, तो प्रोडक्शन के चलते ये बात पहले ही पता चल जाती कि डेविड हार्बर फिर से सीजन 4 की शूटिंग में इन्वॉल्व है, यानी कि उनका कैरेक्टर जिंदा है। इसलिए क्रिएटर्स की तरफ से उनके कैरेक्टर को पहले ही बताकर एक काफी बड़े क्वेश्चन को हटा दिया गया, क्योंकि सीरीज का पूरा फोकस हॉपर के कैरेक्टर पर नहीं बल्कि जैसे कि मैंने कहा 11 मैक्स और वेकना के कर्स पर रहेगा। और फिर आ जाए ट्रेलर के शुरुआत के इस सीन पर, तो हॉकिंस की स्लैब को दिखाकर यही बताया जा रहा है कि सीजन 4 की शुरुआत सीजन 3 की कंटिन्यूएशन के साथ ही होगी, जहां पर हमें इसी बात का आंसर मिलेगा कि हॉपर असल में सर्वाइव किस तरीके से कर पाया है। क्योंकि इस सीन को ध्यान से देखने पर हमें भी ये बात पता चलती है कि सीजन 3 के एंड में जो दरवाजे खुले रखने का रेफरेंस दिया गया था, तो यहां पर भी अपसाइड डाउन की इस दुनिया के पोर्टल को हुई या डोर को वैसे ही डोर के इंच में खुला रखते हुए उम्मीद की किरण को जगा कर रखा गया है। बस जरूरत है तो इसे पूरा खोलकर सच पर से पर्दा हटाने की, जो जिम्मेदारी जॉयसी के कंधे पर है, यानी कि वो बच्चों को बिना बताए एक सीक्रेट मिशन पर जाएगी। और दूसरी तरफ बच्चे भी जो अब बड़े हो चुके हैं, वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के साथ साथ इस सिचुएशन में एक साथ होकर यही बताएंगे कि भले से ही उन लोगों के बीच एज अ टीनेजर कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, आखिर में वो सभी सच्चे दोस्त के साथ साथ दोस्ती निभाने में भी बिल्कुल पीछे नहीं हटते। उसके बाद आ जाते हैं कैलिफोर्निया की टीम पर, जिस टीम में पोस्टर के अकॉर्डिंग हमें चार कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक माइक है, दूसरा विल, तीसरा विल का बड़ा भाई जोनाथन, और चौथा कैरेक्टर एगरली का है, जो शायद गलती से उनके साथ इस जर्नी में शामिल हो जाएगा। क्योंकि जब माइक छुट्टियां मनाने के लिए कैलिफोर्निया 11 को मिलने के लिए आएगा, तब उनके सारे के सारे मोमेंट्स अच्छे तो जा रहे होंगे, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम गवर्नमेंट की तरफ से निकल कर आएगी, जो 11 को उठाकर अपने साथ ले जाएंगे, और उसे छुड़ाने की जिम्मेदारी अगेन कहूंगा पोस्टर के अकॉर्डिंग हमें इन चारों कैरेक्टर्स की ही दिखती है, जो अपनी जर्नी में किसी भी तरीके से 11 को छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से वो मिस्टीरियस कैरेक्टर कौन है, उसकी कंफर्मेशन तो मेरे पास नहीं, लेकिन इस सीन से कहीं ना कहीं ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि वो विलेन इस कैरेक्टर फीमेल ही है, मेल बिल्कुल भी नहीं, जिसका अंदाजा शायद से आपको इस न्यू कास्टिंग में से किसे भी पिक कर लगा लेना चाहिए। और बाकी उसी वेलकम टू द कैलिफोर्निया के ट्रेलर में हमने ये एस्केप भी देखा, और साथ ही साथ अब हमें इसकी कंफर्मेशन भी मिलती है कि इस सीन में खड़ी हुई शख्स 11 ही है, जिसके बाल को काटकर उसे कुछ इस तरीके का बना दिया गया है, ताकि बाकी की जर्नी में वो जो हमें इस सीन में काफी क्विकली नजर आती है अपसाइड डाउन की दुनिया में शायद अपने डर का सामना कर रही है, या फिर सिंपली कहूँ तो वो जो करती है अपने दोस्तों की मदद, ताकि वो लोग जिंदा बचकर बुरी सिचुएशन से बाहर निकल सके। यानी अब पोस्टर के अकॉर्डिंग 11 और माइक की टीम एक हो जाएगी, ताकि वो लोग ग्रिल हाउस यानी कि अपसाइड डाउन की दुनिया में जाए और मैक्स की मदद करे, जो कहीं ना कहीं इस पूरे सीजन का फिनाले रहेगा, या फिर मैं गलत भी हो सकता हूँ। और फिर उसके बाद आते हैं इस पोस्टर के अकॉर्डिंग चौथी टीम पर, तो उस पोस्टर में हमें टोटल 7 मेंबर दिखते हैं, लेकिन ट्रेलर में एक मेंबर और बढ़ता भी है, जिस पर मैं बस थोड़ी देर में ही बात करूंगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इस टीम और ट्रेलर के हिसाब से ये सब कुछ ग्रिल हाउस से शुरू होगा, और उसकी डिटेल जानने के लिए आपको ग्रिल हाउस के ट्रेलर के ब्रेकडाउन किए गए वीडियो को देखना चाहिए, जो अगेन मेरे चैनल पर अवेलेबल है। लेकिन जो भी हो, एक बात तो साफ है कि ये गॉडफादर क्लॉक इतनी खतरनाक है कि ये जब भी कहीं पर भी अपीयरेंस होगी तो कुछ ना कुछ बुरा ही होगा, इसलिए कैरेक्टर से जितना दूर रहे उतना उन्हीं के लिए अच्छा है। क्योंकि जब इससे आमना सामना ट्रेलर के अकॉर्डिंग मैक्स के कैरेक्टर का होगा, जिसके कुछ चेंजेस हमें इस ट्रेलर में भी नजर आते हैं, इसलिए शायद से क्रिएटर्स की तरफ से इसके चौथे एपिसोड का टाइटल डियर बिली रखा गया है, जो हो सकता है कि बिली और मैक्स की रिलेशनशिप के साथ साथ मैक्स के कैरेक्टर को ही ज्यादा एक्सप्लोर करे, क्योंकि यहां पर हम उसे बिली की ग्रेव के पास बैठा हुआ देख सकते हैं, जिसके डेयरिंग मोमेंट शायद से उसके दिमाग से बिल्कुल भी नहीं निकल रहे, और उसी वीक दिमाग के चलते अपसाइड डाउन के माइंड फ्लेयर यानी कि वेकना ने उससे अपना कॉन्टेक्ट बनाया होगा। अगेन थियरी ही है, कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं। बाकी यह सीन हमें डेफिनेटली यही बताता है कि इस बार सिर्फ बच्चों की
टीम ही नहीं बल्कि पूरा हॉकिंस शहर भी इसकी चपेट में आने वाला है, जिनसे निकालने की जिम्मेदारी इस सीरीज के सारे सुपर हीरोज पर है। और शायद से इसी सुपर हीरो के टॉपिक को ध्यान में रखकर इसके तीसरे एपिसोड का टाइटल द मॉन्स्टर एंड द सुपर हीरो रखा गया है। बाकी ट्रेलर के इस सीन को देखकर हमें ये बात समझ आ जाती है कि दोस्तों के बीच अब हाई स्कूल में जाने के बाद दरारें तो होगी ही, क्योंकि वो लोग इस जर्नी में नए दोस्तों को भी एक्सप्लोर करेंगे। और शायद से लुकस की दोस्ती नई की गई कास्टिंग पैट्रिक के कैरेक्टर से होगी, यानी कि बास्केटबॉल की टीम के एक मेंबर से। और यहां पर हम उसके दोस्तों को थोड़ा अपसेट ही सही लेकिन चेयर करते हुए देख सकते हैं, जिसमें अगर माइक की टी शर्ट पर नजर डाले तो माइक ने हेल फायर क्लब के मेंबर की टी शर्ट पहनी हुई है, जो इस सीरीज का पहले एपिसोड का टाइटल है, जिस पर मैं बस थोड़ी देर में ही आता हूँ। क्योंकि ऐसी ही दूसरी सिचुएशन में हम लेवन और विल को भी देखते हैं कैलिफोर्निया में, जहाँ स्कूल में उनकी दोस्ती और घुलना मिलना बिल्कुल भी किसी से नहीं हो रहा। और इस सीन की एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुका हूँ कि मैक्स गॉडफादर क्लॉक को देखने के बाद थोड़ा अजीब सा तो बिहेव करेगी ही, और कई सारे क्लूज भी उसी के पास होंगे ग्रिल हाउस से रिलेटेड। और आ जाए इस सीन पर, तो इस सीन को देखकर ये बात साफ साफ पता चल जाती है कि यहाँ पर शायद से एजेंसी के कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट जो कुछ भी लेवन के साथ कर रही है वो कोई एंगल से ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम खड़े हुए डॉक्टर ओवेंस के कैरेक्टर को देख रहे हैं, जो बाद में आकर लेवन से मदद भी मांगेगा, जिसके पास फिलहाल तो उसकी पावर्स नहीं है। और जब आ जाएगी तो वो क्या करेगी वो डिटेल मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन अभी के लिए तो डॉक्टर ओवन की मदद लेवन के अलावा बाकी और दूसरा कोई कर नहीं सकता। और फिर इस सीन में हम सारे के सारे टीम के मेंबर को ग्रिल हाउस को एक्सप्लोर करते हुए देखते हैं, जिसका कनेक्शन अपसाइड डाउन की दुनिया से बहुत ही ज्यादा है, क्यों तो उसी का पता लगाने के लिए ये मेंबर भी यहाँ पर है और हमें बस सीरीज देखनी है। बाकी अब आ जाए ग्रिल हाउस की डाउन यानी के अपसाइड डाउन की दुनिया पर, तो जैसे कि मैंने कहा कनेक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा है इसी हाउस से, तो उसके इर्द गिर्द हम क्रिएटर्स की गई कन्फर्मेशन के हिसाब से डेमी बैट्स देखते हैं, जो अकेले में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर झुंड में आए तो उनसे जान छुड़ाकर भागने का ही एक ऑप्शन होगा, वरना मौत उनका इंतजार कर रही होगी। बाकी इस सीन के अकॉर्डिंग कन्फर्मेशन यही होती है कि दूसरी टीम यानी कि ग्रिल हाउस की टीम अपसाइड डाउन की दुनिया में पहुंच चुकी है, लेकिन उसमें पूरे मेंबर नहीं बल्कि कुछ ही कैरेक्टर्स नजर आते हैं, जिन्हें अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो इस टीम में फिलहाल के लिए तो चार ही मेंबर है। जिन सभी को एक एक कर एक्सप्लोर करे तो इस टीम में स्टीव, नैन्सी और रॉबिन के अलावा एडी का कैरेक्टर है, जो यहाँ पर शायद स्टीव की मदद तब करता है जब वो अपसाइड डाउन की दुनिया में डीप डाइव कर किसी मिशन को अंजाम दे रहा होगा। बाकी एडी का काम यहाँ पर सिंपली गिटार बजाकर उन डेमी बैट्स को डिस्ट्रैक्ट करने का है, ताकि स्टीव अपना काम बहुत ही आसानी से कर निकल जाए, जो कि देखकर तो नहीं लगता लेकिन फिलहाल तो सिचुएशन वैसी ही है। यानी पोस्टर के हिसाब से बात की जाए तो इस ग्रिल हाउस की टीम में चार मेंबर मिसिंग है, जिनमें से बाकी तीन क्या करेंगे उसका फिलहाल तो ये ट्रेलर हिंट नहीं देता। लेकिन मैक्स की बात करें तो शायद से हो सकता है कि यहाँ पर स्टीव और उसकी टीम उसी को छुड़ाने के लिए आई है, जो काफी बुरी सिचुएशन से बचती बचाती हुई भाग रही है, जिसका इंतजार पोर्टल की तरफ उसके दोस्त कर रहे हैं, लेकिन पीछे उसे किसी भी कीमत में रोकने के लिए वेकना भी है, जिसके इसी सीन से यही समझ आता है कि वेकना का लेना देना अभी के लिए तो मैक्स से ही लग रहा है, जिसका पूरा लुक हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से दिखा दिया जाता है, जो ह्यूमन और शायद से डेमी गॉर्गन का हाफ ब्रीड है या फिर इस पूरे अपसाइड डाउन की दुनिया को चलाने वाला मॉन्स्टर यानी के माइंड फ्लेयर। और अब उससे हटकर बात करें एडी के कैरेक्टर की, तो क्रिएटर्स की तरफ से कंफर्मेशन यही दी गई है कि एडी हेल फायर क्लब का लीडर है, यानी के डंजन्स ऑफ द ड्रैगन का मास्टर, जो गेम में तो प्रो है ही और उसकी हरकतें भी गिटार बजाने के हिसाब से बिल्कुल प्रो ही लगती है कि इस बंदे को मौत का डर तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी अब देखना इंटरेस्टिंग ये भी रहेगा कि एडी की टीम में माइक के अलावा और कौन कौन से मेंबर शामिल है, और वो कैसे माइक के मिशन में ना होते हुए ग्रिल हाउस की टीम के साथ है। बाकी अब आ जाए मैक्स की सिचुएशन पर, तो मैक्स को पावर मिल ही रही है, लेकिन इस सीन में सबसे ज्यादा जो चीज अजीब है वो है ग्रेवयार्ड पर लिखा गया नाम, जो बिल का नहीं बल्कि उसकी जगह किसी विलियम का लिखा हुआ है, लेकिन बर्थ और डेथ का दिन बिल की डेट से बहुत ज्यादा मैच कर रहा है, यानी गॉडफादर क्लॉक का असर यहाँ पर हुआ है। और शायद से टाइम ट्रेवलिंग की जो थियरी है वो भी अप्लाई होती है, जिससे हो सकता है कि बिली का कैरेक्टर फिर से जिंदा हो जाए, क्योंकि टाइम ट्रेवलिंग का एक हिंट इसके अलावा इस सीन में भी नजर आता है, जहाँ पर हम माइक की माँ यानी के कैरन के कैरेक्टर को शायद से उनकी बेटी यानी के यंग नैन्सी के साथ देख सकते हैं। बाकी इन दो सीन में जिसमें से एक में हमें रॉबिन नजर आती है, तो उसका सामना सीधे सीधे वेकना के कैरेक्टर से होगा, यानी के ग्रिल हाउस के अंडर ही, लेकिन कैसे वो सस्पेंस है। और इस क्विक सीन में हम डेस्टिन को किसी तरीके का चेयरअप करते हुए देख सकते हैं, यानी उनकी किसी न किसी तरीके की थोड़ी बहुत विक्ट्री तो ही होगी, क्योंकि रूमर के अकॉर्डिंग इस सीरीज में यानी के सीजन में ये पूरी टीम हारेगी और शायद से वेकना ही अपने मकसद में कामयाब होगा या फिर होगी। बाकी इस सीन में हम आइकॉनिक एक्टर रॉबर्ट इंग्लैंड को देखते हैं, जो इस सीरीज में विक्टर क्रिल के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि एक सीरियल किलर जिनकी पूरी हिस्ट्री और कैरेक्टर का ब्रेकडाउन मैं इसकी कैरेक्टर की वीडियो में कर चुका हूँ। लेकिन उनकी आंखों को यहाँ पर इस तरीके से घायल देखकर ये बात तो साफ साफ पता चल जाती है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है उसका पछतावा उन्हें है, इसलिए विक्टर नहीं चाहता कि वो आगे कोई और ऐसा काम करे विकना के कहने पर, जिसमें रूमर के अकॉर्डिंग उन्हीं का कनेक्शन अपसाइड डाउन से बनेगा। बाकी कई सारे फैंस का मानना ये भी है कि विक्टर ही वेकना का कैरेक्टर है, यानी कि लिस्ट में तीसरा नाम, जिस पर अब मैं इतना श्योर क्यों नहीं हूं, तो उस पर बात करें तो
इसकी कंफर्मेशन कह लो या फिर रूमर डैनियल की तरफ से निकल कर आई थी, इसी बात को कंफर्म करते हुए कि वेकना का कैरेक्टर असल में और कोई नहीं बल्कि लेवन की ही तरह हॉकिंस की लैब का वो पेशेंट है जो पेशेंट जीरो नहीं बल्कि पेशेंट वन था। लेकिन अब उसका फॉर्म और वो इतना पावरफुल कैसे हुआ उसका पता तो सीरीज देख कर ही चलेगा, लेकिन इस सीन से कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है कि उसमें इन्वॉल्वमेंट लेवन की ही रही होगी, जिसकी पावर के आउट ऑफ कंट्रोल के चक्कर में वेकना जैसा कैरेक्टर क्रिएट हुआ, यानी कि वो कैरेक्टर लेवन की दोस्त भी हो सकती है जो अपनी दोस्ती का बदला किसी भी कीमत में लेकर रहेगी। और शायद से इसका पे ऑफ हमें इस सीरीज के सेकंड वॉल्यूम यानी के एपिसोड नंबर 8 पापा में देखने के लिए मिले। खैर तो ये थी मेरे हिसाब से काफी छोटी से छोटी डिटेल स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 के ट्रेलर को लेकर, जिसमें अगर कुछ मिस हुआ है तो वो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो या फिर सीधे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर। बाकी ब्रेकडाउन और ये ट्रेलर आपको कितना ज्यादा पसंद आया है उस बारे में भी कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना भी, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है और अच्छा खासा टाइम भी, जो मैंने असल में इस वीडियो को बनाने में दिया है, इसलिए लाइक तो बनता ही है। और अब बाकी मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्द ही आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।